नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में कच्चे कर्मचारी हरियाणा। हरियाणा NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण सातवें वेतन आयोग का लाभ से जुड़ी बड़ी खबर देखें तो देखते हैं पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है, पंचकुला में NHM कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, हेल्थ पॉलिसी बनाकर पक्का करने की मांग, मांगा सातवें वेतन आयोग का लाभ। 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा NHM के लिए सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की सिद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, परंतु बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि अभी तक NHM को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। NHM कर्मचारियों द्वारा 2017 से 2022 तक की लड़ी गई हड़ताल को ड्यूटी पीरियड मानते हुए उनका वेतन जारी किया गया। सेवा नियमों में कई रह गई त्रुटियों व वेतन विसंगतियों को ठीक करने के लिए संघ के साथ वार्ता हो। साथ ही उनकी मांग है कि आयुष्मान भारत के तहत CHO कैडर की SOP लागू की जाए, साथ ही बॉन्ड प्रथा समाप्त की जाए। NHM में कार्यरत जिन जिन कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू किया गया है उन्हें वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता दिया जाए। NHM कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर समय विधि में बढ़ी हुई CLEL व CCL प्रदान की जाए। तो ये मांग है प्रमुख। आप देख सकते हैं हरियाणा के पंचकुला में आज नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कर्मचारियों का प्रदर्शन है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी पंचकुला सेक्टर 2 नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय में वार धरना दे रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कर्मचारी सरकार से पॉलिसी बनाकर उन्हें नियुक्त करने समेत कई मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि NHM कर्मचारियों की 25 वर्षों से दी जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2013 से 2014 की PIP में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियुक्त कर रही है। यानी यहाँ पर परमानेंट की बात उठाई गई कि उन्हें नियुक्त किया जाए पॉलिसी बनाकर। जब तक नियमितीकरण की पॉलिसी बने तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और एक्सग्रेक्षा और अपील व सजा हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार प्रदान की जाए। तो ये प्रमुख मांग है। इसी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है NHM कर्मियों द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया गया है अपनी मांगों को लेकर। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।